अगली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां कुरुद पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 207 पवा देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन लोग अलग अलग मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कुरुद मछली मार्केट के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल से आ रहे तीन लोगों को रोका, लेकिन मुख्य आरोपी वहां से भाग निकला और बाकी दो लोगों की तलाशी लेने के पर उनके पास से बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई। इसके साथ ही दोनों के आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के समस्त थाना को पूर्व से ही निर्देशित किया गया था कि किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से कोई कार्य संचालित न हो। उसी पर से थाना कुरुद में मुखबिर से कल सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं। जिस सूचना पर स्पेशल टीम और थाना कुरुद की टीम मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें से तीन व्यक्ति मिले जिनका नाम है लाला ध्रुव, सुरेंद्र और एक है भानु प्रताप उर्फ गोलू ढीमर। ये जो गोलू ढीमर है, इसका पूर्व से भी शराब बिक्री करने का, अवैध कार्य करने का रिकॉर्ड है, जिसकी सूचना पर से रेड कार्रवाई की गई और इनके कब्जे से कुल 207 नग मसाला मिला और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ इनके पास तीन मोटरसाइकिल भी थी जिसे कब्जा में लिया गया है, जब्त की गई है और इसका कुल रकम है 157,770 रुपये। हाँ, फरार है, उसका पता तलाश चल रहा है। जिस समय रेड की कार्रवाई की गई थी उसी समय वहाँ पुलिस को देखकर भाग गया, जिसका पीछा किया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठा करके वो भाग गया।